इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, दोनों भी हमारे लिए अहमियत के आगे। इलेक्ट्रॉनिक हो या प्रिंट मीडिया हो, आजकल लोग व्हाट्सएप मीडिया नहीं है, वो मीडिया नहीं है। हम ऐसे व्हाट्सएप मीडिया को जरूर कंट्रोल करेंगे। वर्ष को हमारा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। तेलंगाना जर्नलिस्ट एक्शन काउंसिल की जानिब से आज का इजलास मुनक्किद करने का मकसद ये है कि शहर हैदराबाद में लॉकडाउन के दौरान कुछ पुलिस अहलकारों की जानिब से डिजिटल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के रिपोर्टर्स को एक्रेडिटेशन कार्ड के नाम पर परेशान किया जा रहा था, हरासा किया जा रहा था, जिसके सबब डिजिटल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के रिपोर्टर्स में बेचैनी पाई जा रही थी। इसी के पेश नज़र तेलंगाना जर्नलिस्ट एक्शन काउंसिल की निगरानी में तमाम शहर के डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के रिपोर्टर्स ने तेलंगाना के वज़ीर दाखिला जनाब महमूद अली साहब के दफ्तर से राबता किया और उनसे मुलाकात की और मसला पेश किया, जिस पर वज़ीर दाखिला ने इस बात का तयक़ुन दिया और फौरी हरकत में आते हुए पुलिस को हिदायत दी कि एक्रेडिटेशन कार्ड होल्डर के अलावा जो रिपोर्टर्स एक्रेडिटेशन कार्ड रखते हैं उसके अलावा डिजिटल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के रिपोर्टर्स के साथ भी मसावी सलूक किया जाए, क्योंकि वो भी सहाफत का एक हिस्सा है। तो तेलंगाना जर्नलिस्ट एक्शन काउंसिल की निगरानी में ये काम किया गया, जिस पर वज़ीर दाखिला ने फौरी हरकत में आते हुए पुलिस को अहकाम जारी किए, जिसका असर आज शहर हैदराबाद में देखने को मिल रहा है। डिजिटल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के रिपोर्टर्स मुकम्मल आज़ादी के साथ कवरेज कर सक रहे हैं। और मज़ीद हमारी तरफ से डिजिटल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़िम्मेदारान से गुजारिश है कि वो अपने रिपोर्टर्स को हिदायत करें कि कानून के दायरे में रहकर काम करें और अपनी इस्लाह करें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैर।